दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप Amazon एप्लीकेशन से किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सामान को ऑनलाइन अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी दो चार दिन पहले मेरे घर के बाजू में एक लेडी रहती है, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मुझे एक सामान ऑर्डर करना है ऑनलाइन, क्योंकि मार्केट में वो नहीं मिल रहा है, अभी लॉकडाउन का टाइम है और मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने उनका ऑर्डर कर दिया। फिर मैंने सोचा कि देखो, अगर ये एक लेडी है जिनको ये नहीं पता, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो उनको कैसा सिखाया जाए। तो चलो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं, जिसकी मदद से जितने लोग भी इसको देखेंगे वो तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑनलाइन सामान तो मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, जैसे अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया था एक वीडियो में सोनी के हेडफोन, उसके बाद हेडफोन पाउच, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, पूरा हॉल प्रोसेस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं Amazon एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ से अभी हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर नहीं आता है क्रिएट करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बना दूंगा कि कैसा इसमें अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और शायद मुझे लगता नहीं कि शायद आपको एक साथ सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड ऊपर में तीन छोटे छोटे लाइन से इस लाइन के ऊपर आपको आना है, उसके बाद आपको हेलो साइन इन पे लिखा है, इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट जो है उस पे क्लिक करना है, ऊपर वाला क्रिएट अकाउंट पे, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है पहले से आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो मेरा अकाउंट है, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अभी ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के साथ में। सबसे पहला आपको काम क्या करना है जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हेलो नजरुद्दीन लिख रहा है, वहाँ साइन इन लिख रहा था, अभी नजरुद्दीन लिख रहा है। अभी सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जिस भी एड्रेस पर आप डिलीवरी करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, और आपको अगर मान लीजिए दिल्ली में ऑर्डर लेना है तो आप वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए, या फिर अगर दिल्ली में आप रहते हैं, आपका कोई कज़न या फिर कोई रिलेटिव रहता है मुंबई में और आप चाहते हैं दिल्ली से मुंबई ऑर्डर डिलीवरी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप मुंबई का एड्रेस डाल देंगे तो वो वहाँ डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्लेस पे आप किसी के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है और इस वाले पे आके आपको यहाँ पे देखिए योर अकाउंट लिखा है, योर अकाउंट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है योर एड्रेस, ये दिख रहा है ना, इस वाले पे जाना है और आपको अपना एड्रेस यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जो भी एड्रेस चाहते हैं, देखिए लिखा है ऐड ए न्यू एड्रेस, तो यहाँ पे ऐड ए न्यू एड्रेस पे जाना है आपको, एक फॉर्म आएगा उसको पूरा फिल कर देना है, आपका एड्रेस सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी एड्रेस पे आपका आएगा, और बाद बाकी आपका जो भी अकाउंट्स यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा या फिर कोई भी सेटिंग्स करना होगा, नाम ये वो फोटो वगैरह, तो आप यहाँ सेटिंग में आके कर सकते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को कैसे बाय करेंगे, तो मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि हमें एक मेमोरी कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे सर्च बार में हम सर्च करेंगे मेमोरी कार्ड। ठीक है, अगर हमें 64 GB का चाहिए तो हमने सर्च कर दिया। अभी देखिए बहुत सारा है, मेमोरी कार्ड आ गया। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि हमें कोई भी एक मेमोरी कार्ड बाय करना था, ये मेमोरी कार्ड बाय करना था, इस पर हमने टच कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस मेमोरी कार्ड का अगर हमको इमेजेस देखना है तो आप ऐसे इसका सेलेक्ट कीजिए, अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यूज से आपको इसका डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है, इमेजेस दिखाई देगा, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को मुझे डिटेल्स और भी जूम करके देखना है तो सिंपली आप इस पर टच कीजिए, जब टच करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको जूम करके ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं? अच्छा, अभी ये तो हमने देख लिया प्रोडक्ट का डिटेल्स, उसका इमेजेस। ठीक है, लेकिन आप जब भी मेक श्योर दोस्तों कि आप दो चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहला होता है स्टार रेटिंग और रिव्यू, ये दो चीज़ों का आप ज़रूर चेक करें, अगर ये चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कुछ लेने के बाद आप शायद पछताना पड़े। क्यों, देखिए रिव्यू और स्टार रेटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी ने
अगर इस प्रोडक्ट को और किसी ने बाय किया है तो उसने अपना एक्सपीरियंस, अपना जो उसको क्या प्रोडक्ट में क्या प्रोस क्या कॉन्स क्या लगा, वो अपना फीडबैक देता है इस प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है, और उसको स्टार रेटिंग दिया जाता है कि कितना इसको वो स्टार रेटिंग देगा अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ोगे, लोगों के फीडबैक्स लोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या इस प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए नहीं या नहीं लेना चाहिए, ये सेलर सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इससे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये कैसे चेक करोगे आप, ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देखो यहाँ पे एक स्टार लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 37,536, मतलब 37,536 लोगों ने इसको स्टार रेटिंग किया है। तो सिंपली आपको इस स्टार पे टच करना है, आप नीचे पहुँच जाएंगे स्टार रेटिंग पे। अच्छा, अभी देखिए इस प्रोडक्ट को 5 स्टार में से 4.4 स्टार आप इसको मिला है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आइए इस पर टच करते हैं और देख सकते हैं 64% लोगों ने 5 स्टार वोट किया इसको, ठीक है, मतलब कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर लोगों के कमेंट्स पढ़ना है, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इमेजेस के साथ में, वीडियोस के साथ में, तो आप लोगों के नीचे में आप देखिए काफ़ी कमेंट्स है, आप इनको पढ़िए, इनके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या अच्छा है, क्या नेगेटिव है, ठीक है, सारा ये सब पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या फिर नहीं। तो अभी तक हमने जितना सीखा फ्रेंड्स, इसको आपको कम्प्लीटली जो है फॉलो करना है, और उसके बाद अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसको भी कम्प्लीटली फॉलो करना है, क्योंकि अमेजोन एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, या मेरे फ़ोन में हो या आपके फ़ोन में हो या हम सभी के फ़ोन में हो, ठीक है, एप्लीकेशन सेम रहता है, फ़ोन अलग अलग हो सकता है लेकिन एप्लीकेशन सेम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे प्राइस लिखा है कि क्या इस प्राइस में आपका MRP क्या है, क्या सेव कर पाएंगे आप, क्या बचा पाएंगे, ऑफ़र क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखिए EMI का ऑप्शन है एक, ये वाला, आप EMI पे लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो इस EMI पे आएंगे, और यहाँ पे जो भी आप EMI है अगर होगा अवेलेबल तो दिखेगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है इन स्टॉक, ठीक है, इसका मतलब इन स्टॉक का मतलब कि अभी जो है ये अमेज़न के पास में अवेलेबल है, अमेज़न से आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये आपको बेच कौन रहा है, ये सेलर कौन है, ये दुकानदार कौन है, तो इसका दुकानदार का नाम है एपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सोल्ड बाय एपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इसका सेलर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें लिखा है कि बाय नाउ और ऐड टू कार्ट, अब ये दो चीज़ें क्या है, मान लीजिए दोस्तों कि अभी मैंने ये मेमोरी कार्ड को सर्च किया और मैंने मेमोरी कार्ड को देखा, और मैं कुछ देर के बाद अगर वापस से आज मुझे लेने का मन नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, अब 3-4 दिन के बाद मुझे वापस इसको लेना है या फिर लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर आऊँगा, मुझे इसका नाम याद नहीं है या इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको कैसे ढूंढूंगा। तो यहाँ से आप इसको अपने गैलरी में, अपने अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद भी अगर आओगे तो ये आपके गैलरी में सेव रहेगा। तो ऐड टू कार्ट करोगे तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में आपको एक दिख रहा है ट्रॉली टाइप का छोटा सा, जिसमें 4 लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पर 4 आइटम्स ऑलरेडी ऐड है। अभी मैं इसको जब ऐड टू कार्ट करूँगा तो वहाँ 5 हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट किया वो 5 हो जाएगा, देखिए देख रहे हो आप, वहाँ पे वो 4 था वो 5 हो गया है, मतलब ये जो है वहाँ पे ऐड हो गया। चलिए वहाँ पे देखते हैं घुस के, यहाँ पे आया, अभी देखिए ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे ऐड हो गया, अभी मैं आप यहाँ पे फ़ोन ऐड करके रखा हूँ, ये सब ठीक है, स्टेयर वगैरह है, और यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड भी जो है वहाँ पे ऐड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी जो बाय नाउ, ठीक बाय नाउ के नीचे में आप देखिए नीचे लिखा है एड्रेस, ठीक है, डिलीवर टू नजरुद्दीन इतना इतना एड्रेस, अगर ये एड्रेस आपको नहीं चाहिए, दूसरा एड्रेस आपको लेना है, तो यहाँ पे एड्रेस वाले ऑप्शन पे टच करना है नीचे, और टच करने के बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस चुने, देखो जितना भी एड्रेस यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेस रख सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपके पास एड्रेस होगा यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट करके ऐड कर दोगे, तो वो आपका उसी एड्रेस पे आपका डिलीवर होगा। अब समझते हैं दोस्तों कि ये बाय नाउ क्या है। अब इसी बाय नाउ के थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट को अपने घर तक मंगा सकते हो, डिलीवर करवा सकते हो। तो बाय नाउ पे हमने टच किया, अभी यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको समझने होंगे, ठीक है। अभी अगर आपको किसी ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू अगर इसको पेमेंट करना है, जैसे अमेज़न पे, UPI, भीम पे, ठीक है, भीम UPI, या फिर ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग, ये सब ऑप्शन है। EMI का ऑप्शन इस मेमोरी कार्ड के लिए नहीं है, EMI नहीं है। अच्छा, पे ऑन डिलीवरी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट को मेरे घर पे डिलीवर करे उसके बाद मैं उसके हाथ में पैसे दूं, ठीक है, मैं पहले पैसा नहीं देना चाहता, कैश ऑन डिलीवरी मैं करवाना चाहता हूं, तो ये जो पे ऑन डिलीवरी है इस पे आपको टच करना है सिंपली, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका
जो है आइटम वो दिख रहा है पूरा डिटेल की कितना प्राइस है क्या कुछ है। तो आइटम का प्राइस 849 रुपये है, 40 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, टोटल कितना 889 रुपये हो गया, जिसमें से आपको -40 रुपये फिर से ऑफर के तौर पे कर दिया गया। तो ये बस ऐसे ही है, उसके बाद 849 रुपये टोटल आपको देना पड़ेगा। अब इसको क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, योर सेविंग आपने कितना बचाया, 1090 रुपये 56%। कैसे, आपको कैश फ्री चार्ज डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आइटम पे आपको 40 रुपये ये जो डिस्काउंट लेकर मिला ये बेनिफिट आपको काउंट करके ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये प्लेस योर ऑर्डर, ये प्लेस योर ऑर्डर पे टच करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको कुछ डेट दिखाएगा कब आपको मिलेगा। चलिए इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्लेस योर ऑर्डर पे मैंने टच किया और ये जो मेरा ऑर्डर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू मे हैव अनलॉक्ड रिवॉर्ड, ठीक है। और ये जो है मेरा थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, ठीक है, ये जो मेरा ऑर्डर हो गया है। अभी ये ऑर्डर मुझे देखना कैसे है और इसको ट्रैक कैसे करना है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में वापस से उसी 3 लाइन पे आना है और लिखा है यहाँ पे योर ऑर्डर्स, तो योर ऑर्डर्स जो लिखा है, सॉरी मैं गलत हो गया, योर ऑर्डर्स जो है इस पर आपको आना है। जब योर ऑर्डर्स पे आओगे तो देखो लिखा है ना कि अराइविंग वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को मेरे पास जो है पहुँच जाएगा और उसके जस्ट नीचे लिखा है नॉट येट डिस्पैच्ड, अभी तक वो अभी पैकिंग नहीं हुआ है और ये निकला नहीं है, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी तो मैंने इसको ऑर्डर किया ना, तो यहाँ से इसको ट्रैक कर पाओगे। जब ये निकल जाएगा वहाँ से तो यहाँ पे आप आके ये नीचे लिखा है ट्रैक पैकेज, इसको ट्रैक करोगे तो ये कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस डेट में, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये लिखा है ऑर्डर डे, मतलब टुडे आज ऑर्डर किया मैंने, इसलिए ऑर्डर डे है। जब वो वहाँ से शिप हो जाएगा तो ऐसे ऐसे है आउट ऑफ डिलीवरी अराइविंग वेडनेसडे, ये सारा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पूरा होल प्रोसेस है दोस्तों एक किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करने का। आई होप दोस्तों कि आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने एक प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन ऑर्डर करने का प्रोसेस सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा, जाके फॉलो कर लो। तो बस दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।